अब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में आप लोगों को पता ही तो होगा भाई, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कहीं इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल ले रहा है, कहीं लोकल सेल्स ले रहा है, तो ये गड़बड़ हो गई है। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ पाथ। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसे एरर के बारे में जो आप लोगों ने देखा तो होगा बट शायद आप लोगों को इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं मिला होगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को कहां पर मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, पहले ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं मैंने एक सेल्स एंट्री पास की हुई है और यहां पर कि आप लोगों को मैं दिखा दूं, यहां पर सेल्स एंट्री के अंदर आपका जीएसटी बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं हो रहा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आपने कोई लोचा किया होगा, यहां पर कहीं दिक्कत की होगी पार्टी के अंदर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं पार्टी के अंदर क्या कोई दिक्कत है। एंटर प्रेस करते हैं और ये देखिए मैं यहां पर आ गया। ओ अब आपको लग रहा होगा सर ये क्रेडिटर है इस वजह से, तो मैं इसे डेटर कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं और ये लीजिए अब ये डेटर भी ठीक है। तो भाई यहां पर अब भी नहीं आया कैलकुलेशन। ओहो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने रेट ऑफ जीएसटी सेट नहीं किया हुआ, तो मैं आपको दिखा दूं प्रोडक्ट के ऊपर, ये देखिए प्रोडक्ट के ऊपर रेट ऑफ जीएसटी सेट हो रखा है। ओ ये भी हो रखा है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने लेजर ही गलत बना रखा है सीजीएसटी का, तो मैं वो भी दिखा देता हूं, ये देखो सीजीएसटी का लेजर भी सही बना रखा है तो भी ये कैलकुलेट नहीं हो रहा। और अब आप ये कहेंगे सर सेल्स के लेजर में गलती है, तो चलिए मैं वो भी आपको चेक करा देता हूं। तो सेल्स का लेजर भी प्रॉपर तरीके से सही है, इसके अंदर भी सेल्स अकाउंट मैंने लिया हुआ है, लेकिन 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 यहां पर है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जी हां, अगर आप काम कर रहे हैं टैली के अंदर और आपने दो बार रेट सेट कर दिया है अपनी कंपनी के अंदर, तो भाई आपका जीएसटी कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे दो बार सर, क्या कह रहे हैं आप? तो चलिए देखते हैं, यहां पर आप देख रहे हैं सेल्स के ऊपर मैंने जीएसटी का रेट सेट किया हुआ है, आप देखें, और जीएसटी का रेट सेट करते समय मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की हुई है। और वो मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि भाई यहां पर आप लोगों ने इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल ले रखा है, और एक और बात, यहां पर आप लोगों ने रेट स्पेसिफाई कर रखा है, ये तो ठीक है, बट प्रॉब्लम यहां पर ये आ गई कि आपने गुड्स के ऊपर भी तो रेट स्पेसिफाई कर रखा है जो कि अलग है। आप चेक कर सकते हैं यहां पर 5% है गुड के ऊपर रेट, और अगर आप देखें यहां पर दूसरा प्रोडक्ट डर्मिकूल है और इस पर भी आप रेट देखें तो 12% है, यानी यहां पर रेट भी अलग अलग लिए गए हैं। और अब इसे ठीक कैसे किया जाएगा, अगर मान लीजिए आपके सेल्स के लेजर में ऑलरेडी रेट सेट है और आपके आइटम पे अलग से रेट सेट है, तो आप इसे ठीक कैसे करेंगे? बेसिकली याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट हमेशा से कि आपको रेट सेटअप एक ही जगह करना है, या तो आप आइटम पे कर लीजिए या तो आप सेल्स लेजर पे कर लीजिए, तभी आपका काम सही होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, यहां पर जो सेल्स लेजर मैंने बनाया था उसको मैं कंट्रोल एंटर से जाऊंगा और यहां पर मैं तो इसे एप्लीकेबल ही रखूंगा, लेकिन यहां से भाई जीएसटी रेट मुझे नहीं एप्लीकेबल करना, तो भाई मैं यहां से जीएसटी रेट को एज पर कंपनी ग्रुप डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहां से भी एज पर कंपनी ग्रुप डाल दूंगा 1 अप्रैल से, ठीक है। और जैसे ही ये मैं करूंगा उसके बाद सारी की सारी सेटिंग्स मेरी की कंपनी के अंदर सही हो जाएगी। और अब जरा चेक करते हैं, कंट्रोल एंटर प्रेस कर चुका हूं और अब एंटर प्रेस करते हुए मैं आगे बढ़ा। ओ माय गॉड, आ गया ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो गया। तो है ना, बहुत सिंपल ट्रिक थी, बहुत सिंपल तरीके से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। और अगर आप ऑल्ट ए प्रेस करके ऑल्ट F1 प्रेस करें तो आपको यहां पर जीएसटी दिखाई दे रहा है और वो भी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। लेकिन यहां पर देखने वाली बात एक ये है कि भाई जो आपका कोलगेट है उसके ऊपर जीएसटी का रेट सेटअप गलत हो चुका है, तो ये कैसे हुआ, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट है। ये देखिए नीचे एक एंट्री में ये लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, वाउचर इज हैविंग कॉन्फ्लिक्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। अब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में आप लोगों को पता ही तो होगा भाई, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कहीं इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल ले रहा है, कहीं लोकल सेल्स ले रहा है, तो ये गड़बड़ हो गई है। तो आपको इस एंट्री को स्किप करना पड़ेगा और दोबारा करना पड़ेगा, तभी ये ठीक होगा। तो चलिए अब मैं वापस आता हूं और इस एंट्री को एक बार दोबारा से फटाफट से रिपीट करता हूं और अब देखते हैं क्या ये एरर शो होती है या नहीं। तो लेट्स सी, यहां पर मैंने डाल दिया आपका प्रोडक्ट और यहां पर दूसरा प्रोडक्ट भी एंटर कर दिया, उसके अंदर भी मैंने कुछ क्वांटिटी डाल दी और ये देखिए अब दोनों प्रोडक्ट मैं डाल चुका हूं, यहां पे सीजीएसटी लगाया, यहां पर एसजीएसटी लगाया, दोनों प्रोडक्ट हो गए मेरे कंप्लीट ऑल्ट ए ऑल्ट F1। और अब चेक करिए प्रॉपर तरीके से आपके दोनों बिल पर जो है जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है। तो
तो आपकी दो प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हुई है। अगर आप लोगों ने देखा कि मैंने यहां पर चेंज किया तो एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने और अराइज हो गई। तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो इस तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई और आपको अब जीएसटी में दिक्कत नहीं आएगी और आपका जीएसटी हमेशा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, गाइड ऑफ मैड।